हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज की वीडियो कंपैरिजन वीडियो होगी सैमसंग के 32 इंच स्मार्ट टीवी और तोशिबा के 32 इंच स्मार्ट टीवी के बीच में। इनका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। शुरू करते हैं कंपैरिजन वीडियो। तो लेफ्ट में है सैमसंग 32 इंच स्मार्ट टीवी और राइट में है तोशिबा 32 इंच स्मार्ट टीवी। तो सबसे पहले इनका रेजोल्यूशन देखते हैं हम। तो सैमसंग का रेजोल्यूशन है HD रेडी और तोशिबा का भी सेम है HD रेडी। और सैमसंग में रिफ्रेश रेट है 60Hz और तोशिबा में भी सेम है 60Hz 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल। तो ये दोनों चीज़ें अभी तक बिल्कुल सिमिलर है। तो स्कोर कार्ड अपडेट करेंगे तो रेजोल्यूशन में भी एक पॉइंट और रिफ्रेश रेट में भी एक पॉइंट दोनों में सैमसंग एंड तोशिबा में। अब हम देख लेते हैं कनेक्टिविटी। तो सैमसंग में कनेक्टिविटी में फीचर्स हैं जैसे कि 2 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट्स और 2-way ब्लूटूथ। और तोशिबा में है 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ एंड 3.5mm जैक। तो इसमें सैमसंग के कंपैरिजन में एक USB पोर्ट ज़्यादा है तोशिबा में और एक एक्स्ट्रा फीचर है तोशिबा में 3.5mm जैक, जिसमें आप हेडफोन और एक्सटर्नल स्पीकर्स चला सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में स्कोर कार्ड अपडेट करेंगे तो तोशिबा आगे है सैमसंग से, एक पॉइंट मिलता है तोशिबा को। साउंड में देखें, सैमसंग में है 20 वॉट्स आउटपुट और डॉल्बी डिजिटल प्लस, और तोशिबा में भी सेम है 20 वॉट्स आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो एंड DTS वर्चुअल एक्स। तो एक फीचर ज़्यादा है साउंड में तोशिबा में, DTS वर्चुअल एक्स। तो स्कोर कार्ड अपडेट करेंगे तो हम सैमसंग में 0 एंड तोशिबा में 1। स्मार्ट टीवी फीचर्स हम देखें तो सैमसंग में इसको पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर है इसमें, म्यूजिक सिस्टम है, कॉन्टेंट गाइड, कनेक्ट शेयर मूवी फीचर भी है। और तोशिबा में हम देखें तो सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी 11 OS, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, मीराकास्ट, क्वाड कोर प्रोसेसर, डुअल बैंड वाईफाई और 1GB रैम प्लस 8GB स्टोरेज। तो स्मार्ट टीवी फीचर्स तोशिबा में ज़्यादा है तो तोशिबा यहाँ पे फिर 1 पॉइंट ले गया। अब हम देखते हैं अनलिमिटेड OTT ऐप सपोर्ट। सैमसंग टीवी में है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो, गूगल प्ले, यप टीवी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, फेसबुक, एप्पल टीवी, ऑल्ट बालाजी, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, सोनी लिव, वूट, एरोस नाउ, बिग फ्लिक्स, LED पैनल। और तोशिबा टीवी में है प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब, एप्पल टीवी, 5000 प्लस ऐप्स फ्रॉम प्ले स्टोर। तो ये दोनों सिमिलर है ऑलमोस्ट, तो दोनों में एक एक स्कोर मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में है सैमसंग टीवी में LED पैनल, मेगा कॉन्ट्रास्ट, प्योर कलर, HD पिक्चर क्वालिटी, स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन। तोशिबा टीवी में डिस्प्ले है A+ ग्रेड LED पैनल, रेक्सा पिक्चर इंजन, अल्ट्रा ब्राइट स्क्रीन, स्मूथ मोशन, हाई कॉन्ट्रास्ट। तो दोनों में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ डिस्प्ले फीचर्स हैं 5 सैमसंग में भी और तोशिबा में भी। तो स्कोर कार्ड में दोनों में एक एक स्कोर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं वारंटी इन्फॉर्मेशन। सैमसंग टीवी में है 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्लस एडिशनल 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी पैनल पे बाय ब्रांड फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। और तोशिबा टीवी में वारंटी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं तो 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है प्रोडक्ट पे, प्रोवाइडेड बाय तोशिबा फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। दोनों की वारंटी इन्फॉर्मेशन हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर वारंटी डिटेल्स हैं, दोनों में 2 साल की वारंटी मिलती है। तो स्कोर कार्ड अपडेट करेंगे तो दोनों में एक एक स्कोर मिल जाएगा। सैमसंग 32 इंच स्मार्ट टीवी प्राइस है 13,990 रुपये और तोशिबा 32 इंच स्मार्ट टीवी प्राइस है 12,499 रुपये। ये दोनों प्राइस amazon.in पे फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि कभी कोई स्कीम आती है, कभी कोई स्कीम आती रहती है। तो ये अभी जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि यही अमाउंट रहे, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो प्राइस में अभी देखा जाए तो बजट फ्रेंडली है तोशिबा क्योंकि 12,499 रुपये का है और सैमसंग टीवी है 13,990 रुपये का। तो प्राइस के मामले में तोशिबा आगे है सैमसंग से। अब हम देखते हैं रेटिंग्स। तो रेटिंग्स यहाँ पे हम देखें सैमसंग में है 4.2 out of 5 और तोशिबा में है 4.1 out of 5। और दोनों को ही अमेजोन चॉइस का लेबल मिला हुआ है। ये लेबल तब मिलता है जब कोई प्रोडक्ट वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट हो और हाईली रेटेड हो, लेकिन रेटिंग के मामले में सैमसंग अभी तोशिबा से आगे है। तो स्कोर कार्ड में सैमसंग को 1 मिलता है, तोशिबा को 0। और इन दोनों टीवी में EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। सैमसंग टीवी में 6 महीने के लिए आप EMI बनवा सकते हैं, मंथली है 2,332 रुपये। और तोशिबा टीवी में 3 महीने के लिए EMI बनवा सकते हैं और मंथली आपको देना है 4,166 रुपये। तो अब हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि कौन सा टीवी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन सा टीवी खरीदना ज़्यादा सही है। वैसे दोनों ब्रांड सही हैं, उसमें इन दोनों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन
कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें किसी टीवी में अच्छे लगते हैं और किसी टीवी में वो फीचर्स नहीं होते हैं, उसके हिसाब से मैंने स्कोर कार्ड बनाया है, तो हम वो चेक कर लेते हैं। उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कौन सा टीवी खरीदना पड़ेगा अपने फीचर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी टोटल स्कोर अगर हम देखते हैं तो टोटल स्कोर सैमसंग में है 6 और तोशिबा में है 9। तो अभी तोशिबा टीवी आगे है, तोशिबा टीवी आगे है कुछ चीज़ों में, जैसे कि कनेक्टिविटी, साउंड, स्मार्ट टीवी फीचर्स और प्राइस में। कनेक्टिविटी फीचर्स सही चाहिए, साउंड सही हो, स्मार्ट टीवी फीचर्स अच्छे हो, बजट फ्रेंडली टीवी, तो तोशिबा बेस्ट है अभी इन दोनों के कंपैरिजन में। और अगर आप सिर्फ रेटिंग देखते हैं कि रेटिंग किसकी अच्छी है, कस्टमर रेटिंग किसकी अच्छी है, तो सैमसंग उसमें आ गए अभी। तो आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं रेटिंग के हिसाब से, अगर आप टीवी लेना चाहते हैं तो सैमसंग बेस्ट है तोशिबा से। लेकिन अगर साउंड, स्मार्ट टीवी फीचर्स, कनेक्टिविटी फीचर्स के हिसाब से टीवी लेना चाहते हैं तो तोशिबा बेस्ट है सैमसंग से। ये मैं इस स्कोर कार्ड की हेल्प से बता पा रहा हूँ। ये थी कंपैरिजन वीडियो सैमसंग के 32 इंचेस स्मार्ट टीवी और तोशिबा के 32 इंचेस स्मार्ट टीवी के बीच में। इनका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।